लास्ट सीन में देखा मीमेली को ज़बरदस्ती पिला रहा होता है, मगर वहाँ आकर रोकता है मिस्टर साओ और वहाँ से चला जाता है। मीमेली पीछे पीछे जाती है और मिस्टर साओ को थैंक यू बोलती है, कहती है थैंक यू मिस्टर साओ। तो मिस्टर साओ पूछते हैं कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, तो मीमेली बोलती है कि न्यूज़ में सुना। और मिस्टर साओ चले जाते हैं और ये काफ़ी खुश होती है। और घर पहुँचती है तो देखती है रूम पर कि वहाँ उसकी बॉस इंतज़ार कर रही है। उसकी बॉस मीमेली को देखती है मगर पहचान नहीं पाती है, तो पूछती है कि क्या मीमेली यहीं रहती है, वो कहाँ है। मीमेली बोलती है कि नहीं पता। तो उसकी बॉस बोलती है कि तुम उसकी रूममेट हो, अगर वो आए तो बोल देना कि उसे जॉब पे वापस आने के लिए और जितने भी उसे जो भी चीज़ चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। डॉक्टर ली अपने गर्लफ्रेंड को कितना करके मनाए हुए रहता है और अपने रूम पर लाया हुआ रहता है और दोनों में रोमांस चल रहा होता है। तभी बीच में वो लड़की रुक जाती है, गर्लफ्रेंड इसकी। तो इसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि ऊपर कोई हमें घूर रहा है और नाराज़ हो जाती है कि फिर से वही लड़की कैसे, जब तुम पहचानते नहीं तो यहाँ पर क्या कर रही है। तो डॉक्टर ली कहता है पेशेंट है और मुझे नहीं पता यहाँ कैसे आ गई। तो उसकी गर्लफ्रेंड नाराज़ होती है, उसे मार के चली जाती है, कहती है कि मुझे तुमसे नहीं मिलना। तो मीमेली आती है और कहती है ज़्यादा चोट लग गया क्या। डॉक्टर ली पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ क्यों आई हो। अब वहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती, नहीं तो मुझे पहचान जाएगी कि मैं ही मीमेली हूँ। तो डॉक्टर ली बताता है कि वो देखो दरवाज़ा और वहाँ से चली जाओ। मीमेली बाहर न जाके रूम में चली जाती है। डॉक्टर ली सोया हुआ रहता है, करवट लेता है तो देखता है बगल में मीमेली। मीमेली को देखकर बैठ जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मीमेली कहती है कि मुझे अकेले नींद नहीं आ रहा था, केवल आज के लिए तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। तो डॉक्टर ली कहता है ठीक है सो जाओ। इतना सुनते ही मीमेली सो जाती है। डॉक्टर ली अगर देखता है तो ये सो गई हुई है। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर ली मीमेली को एक आईडी कार्ड देते हैं और कहते हैं कि अब से तुम्हारा नया नाम रहेगा मीडुओ। मिस्टर साओ मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तभी देखते हैं एक न्यूज़ है, उसमें एक एक्ट्रेस के बारे में बताया जा रहा होता है। तो मिस्टर साओ के असिस्टेंट बताता है कि फेमस है एक्ट्रेस। तो मिस्टर साओ एक मीटिंग अरेंज करवाते हैं और वहाँ पर एक्ट्रेस को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और जितना पैसा चाहिए वो उतना ले सकते हो। तो इसका असिस्टेंट तो काफ़ी खुश होता है और कहता है कि ठीक है हो जाएगा, मगर ये एक्ट्रेस नखरे दिखाती है। मिस्टर साओ कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखते हैं तो दोनों देखकर चौंक जाती हैं, इतना मोटा कॉन्ट्रैक्ट पेपर। असिस्टेंट बोलता है कि मैं मैडम को समझा दूंगा बाद में। यहाँ मीमेली मिस्टर साओ का कपड़ा लेकर काफ़ी खुश हो रही होती है और याद करती है, और याद आता है मिस्टर साओ को डिज़ाइन देना है, तो ये तैयार करती है रात भर जग के और सुबह चल जाती है ऑफिस मिस्टर साओ के, और वहाँ पर मिस्टर साओ को देने ही जा रही होती है, मगर मिस्टर साओ चले जाते हैं और वहाँ पर मिस्टर लिन मिलते हैं, तो मिस्टर लिन को दे देती है और कहती है कि मिस्टर साओ को दे देने के लिए। अब मिस्टर लिन मिस्टर साओ में जमता नहीं है। नेक्स्ट मीटिंग में मिस्टर साओ जाते हैं तो वहाँ सभी कोई नाराज़ रहता है मिस्टर साओ से और कहता है कि ये क्या है मैगजीन में न्यूज आया है कि तुम्हारे और एक्ट्रेस के बीच में कुछ चल रहा है क्या, ये हमारे लिए कैसा रेपुटेशन बढ़िया नहीं रहेगा कंपनी के लिए। तो मिस्टर साओ बोलते हैं कि ये मेरे प्राइवेट मामला है। और ये खबर किसने लीक की, मिस्टर लिन ने। मिस्टर लिन बोलते हैं कि मैंने तो नहीं किया। ये पेपर और मैगजीन की बात जानने के बाद एक्ट्रेस काफ़ी नाराज़ होती है और कहती है कि अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। तो इसका असिस्टेंट समझाता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, छोड़ने के लिए नहीं, काफ़ी अच्छा है, बड़े बिजनेसमैन से एक्ट्रेस किसी भी तरह चली जाती है। और मिस्टर साओ के ऑफिस में आकर काफ़ी उस पर नाराज़ होती है, मगर मिस्टर साओ उसे शांत कराते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए ही फ़ायदा की बात है कि तुम्हारा कब तक ये जवानी रहेगा और कब तक तुम काम करोगी, कब तक ऐसे चलेगा, कभी ना कभी चेहरा मुझा सकता है, देखो अभी पॉपुलैरिटी कितना बढ़ गया तुम्हारा, इसी तरह चलता रहा तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा तुम्हें भी और हमें भी। तो एक्ट्रेस मान जाती है। डॉक्टर ली चुपे आ रहा होता है मगर देख कर डर जाता है मीडुओ को, जो मीमेली थी पहले, तो मीडुओ उसे खाने के लिए देती है। डॉक्टर ली देखता है
तो एक सूप के नाम पे दो टमाटर उबले हुए पानी में और चावल की जगह पर जले हुए चावल, और पूछता है क्या हुआ तुम ये ऐसा क्या की। मिठू बताती है कि मिस्टर साव और एक्ट्रेस के बीच चल रहा है। वो मिस्टर साव का जैकेट पहनी हुई रहती है तो उसे उतार कर डॉक्टर ली फेंक देता है बाहर और कहता है कि उसका नाम नहीं रहना चाहिए इस घर में। तो मिमेली नाराज़ होती है, कहती है कि नहीं मुझे वो जैकेट चाहिए। डॉक्टर ली बोलता है कि ये मेरा घर है, इसमें मिस्टर साव का जैकेट नहीं रहेगा। तो मिमेली नाराज़ होकर छोड़ के चली जाती है और शॉप में बैठी हुई रहती है। तो शॉप बंद होने का टाइम होता है तो शॉप की पर बोलता है कि अब बंद होने का टाइम हो चुका हुआ है। तो मिमेली कहीं जाने का रास्ता नहीं रहता तो वहीं जाकर बाहर रहती है, और डॉक्टर ली परेशान होकर खोजने जाता है कि कहाँ चली गई। देखता है तो बाहर ही रहती है। डॉक्टर ली बोलता है कि तुम बाहर हो, तुम्हें अंदर नहीं आना है। तो अंदर मिटू आती है तो डॉक्टर ली देखता है कि अभी भी उदास है तो उसे जैकेट दे देता है मिस्टर साव का। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर ली देखता है मिटू को तो ये काफ़ी खुश है, तो पूछता है क्या हुआ इतना खुश और इतना रंग बिरंगा कपड़ा पहने हुए। न्यूज़ देख खोल देती है टीवी का, तो न्यूज़ में आ रहा होता है कि एक्ट्रेस का असिस्टेंट ने बताया कि कुछ नहीं हो रहा है, बस बिजनेस मीटिंग के लिए दोनों साथ मिले हुए थे, इसलिए मिमेली काफ़ी खुश है। और दूसरा खबर सुनाती है कि वहाँ एक जॉब खाली है तो मैं अप्लाई कर रही हूँ। मिमेली जॉब के लिए जाती है तो उसका नंबर आता था, जाती है तो मिस्टर साहब बोलते हैं कि अपने बारे में बताओ। तो मिमेली अपने बारे में बताती है और कहती है कि मैं एक खाली स्लेट की तरह हूँ, मुझे कुछ भी सिखाया जा सकता है। तुमने लिखा है कि डायमंड डिजाइन में तुमने काम किया है, किस कंपनी में काम किया है। मीटू अब क्या बताए, पहले तो दूसरे भेस में थी और नाम तो वो बता नहीं सकती है। तो कहती है कि मैंने काम नहीं किया। मिस्टर लीन मीटू को एक चांस देने के लिए बोलता है मिस्टर साव को, मगर मिस्टर साव इसके कपड़ों को भी देखकर कहता है कि तुमने ऐसा कपड़ा पहना है, जबकि यहाँ काम करने के लिए किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए तुम्हें पता नहीं है। और घर आकर डॉक्टर ली को सुनाता है कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ ऑफिस में, और दोनों बियर पी रहे होते हैं और मिमेली काफ़ी नशे में हो गई रहती है, और डॉक्टर ली को मिस्टर साव समझ के किस कर लेती है। तो ये सुबह उठते हैं तो मिमेली को कुछ याद नहीं रहता है, तो डॉक्टर ली पूछता है कि क्या कल रात में क्या करी तुम्हें याद है। तो मिडुओ बोलती है नहीं पता, मुझे क्या पता क्या हुआ, कल काफ़ी परेशान थी मैं। तो डॉक्टर ली बोलता है कि अगली बार से जब भी पीना तुम बुला लेना, अकेले मत पीना या किसी और के साथ। मिडुओ को फोन आता है कि कंपनी में जॉब मिल गया, ये काफ़ी खुश होती है और जॉब के लिए पहुंचती है। तो इसे पता चलता है कि इसे असिस्टेंट के जॉब पर नहीं बल्कि डायमंड डिजाइन असिस्टेंट के तौर पर रखा गया है। तो मिडुओ का बुराई हो रहा होता है कि नई एम्प्लॉई आई है जो कि बढ़िया नहीं है, और ये अपने आप को काफ़ी रईस दिखा रही होती है और कह रही होती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने ये महंगे कंगन दिए, और कहती है चलो मेरे तरफ से पार्टी है नए रेस्टोरेंट में। तो सभी कोई चले जाते हैं। मिस्टर ली आते हैं और कहते हैं कि नए जॉब का मुबारक हो, और ये लो फाइल और मिस्टर साव को दे आओ। मिमेली काफ़ी खुश होती है कि मिस्टर साहब के पास जाने का मौका मिला, और फाइल लेकर पहुंचती है और देती है, कहती है कि डिजाइन डिपार्टमेंट से ये फाइल मिला है। तो मिस्टर साहब बोलते हैं कि यहाँ रख दो और चली जाओ। मिमेली वहीं खड़ी रहती है तो मिस्टर साहब देखते हैं उसको और कहते हैं कि जाओ। तो देखते हैं कि वही लड़की, और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे जैसे लड़की यहाँ पर कैसे, खाली स्लेट की तरह, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई काम नहीं। तो मिडुओ बोलती है कि मुझे यहाँ पर रखा गया है, मैं अप्लाई नहीं की थी यहाँ पर डायमंड डिजाइन के लिए। मिस्टर लिन के द्वारा डॉक्टर ली का फ़ोन आता है, मीडियो से बात करते हैं और डॉक्टर ली बोलता है कि अब तुम जा रही हो घर, अभी छुट्टी हुआ। तो मीडियो बोलती है कि नहीं मैं अभी काम कर रही हूँ ओवर टाइम। तो डॉक्टर ली बोलते हैं ओवर टाइम पहला दिन है और ओवर टाइम करने के लिए तुम्हें मिल रहा है। तो मीडियो बोलती है नहीं मैं अपने मर्जी से यहाँ काम कर रही हूँ। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।